Well, एक बार फिर से खुशामदीद आपको करते हैं गेम सेट मैच में। आज मैंने प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले अपनी टीम से वैसे कंफर्म भी कर लिया कि भाई T20 का बादशाह खत्म, खलास, गेम ओवर, T20 वर्ल्ड कप इज बिहाइंड अस एंड गेम सेट मैच इज बैक आफ्टर राउंड अबाउट कोई 25-26 डेज। यस, T20 वर्ल्ड कप हमारी याददाश्तों का, हमारी यादों का एक हिस्सा बन गया है, गुड और बैड डिपेंडिंग अपॉन यू, बट आई वुड से दैट मोर गुड देन बैड, ज़्यादा अच्छी यादें छोड़ के चला गया। लेकिन डिस्कशन, बाजगश्त, गूंज T20 वर्ल्ड कप की जो है वो आने वाले कई दिनों तक सुनाई दी जाएगी। मैं हूँ आपका मेज़बान अदील अजहर और मेरे साथ हैं आप अगले चंद मिनट तक। सवेरा ऑफ कोर्स इज ऑन अवर वे बैक, इन फैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज ऑन देयर वे बैक, बल्कि ऐसा करते हैं कि आपको हम लिए चलते हैं बहुत दिनों बाद व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स की जानिब, जिसमें भी ऑफ कोर्स क्रिकेट ही छाई हुई है। सो हियर वी गो। ऑलराइट, सो आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है, जिसमें इंग्लैंड के 4 और पाकिस्तान और भारत के 2-2 खिलाड़ी टीम में शामिल हैं। वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के कप्तान जॉस बटलर, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन एलेक्स हेल्स, सैम करन और मार्क वुड टीम ऑफ द टूर्नामेंट का हिस्सा हैं। पाकिस्तान के शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए। भारत के विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने जगह बनाई। जनूबी अफ्रीका के एनरिक नॉर्किया, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, न्यूजीलैंड के ग्लेन फ्लिप्स को इसमें शामिल किया गया है। भारत के हार्दिक पांड्या को 12वें खिलाड़ी की हैसियत हासिल है। आगे जी, T20 वर्ल्ड कप में रनर अप रहने के बाद कौमी टीम मेलबर्न से वतन वापस रवाना हो गई है। कौमी टीम बरास्ता दुबई पाकिस्तान पहुंचेगी। ऑफ कोर्स मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस पर जा रहे होंगे। बाबर आजम, नसीम, मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच हमारे लाहौर पहुंचेंगे। हेड कोच सकलैन मुश्ताक, शादाब खान, हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज़, हैदर अली रावलपिंडी आएंगे। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर इफ्तार और खुशदिल शाह पेशावर, और शान मसूद और शाहनवाज दहानी कराची पहुंच रहे होंगे। ओके जी, शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, उनकी इंजरी के हवाले से जो है वो अब अपडेट्स आना शुरू हो गई हैं। थिंग्स एज एक्सपेक्टेड आर नॉट लुकिंग गुड। शाहीन नी के ब्रेस उन पे चढ़ गया एक बार फिर से एंड लुक्स लाइक दैट ही इज़ आउट फॉर अ लॉन्ग रन। काफ़ी तवील अरसे के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जो है वो बाहर हो गए हैं। वापस वतन आने पर इनका प्रॉपर स्कैन किया जाएगा, लेकिन अभी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक शाहीन पाकिस्तान की जो 2 टेस्ट सीरीज़ बैक टू बैक आने वाली हैं, दिसंबर एंड जनवरी, पहले अगेंस्ट इंग्लैंड और उसके बाद अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसमें पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। अब देखना यह है कि शाहीन की जगह किन को खिलाया जाता है, हारिस रऊफ को क्या डेब्यू कराया जाएगा, क्या हारिस रऊफ लॉन्ग हॉल में, लॉन्ग रन में प्लेयर यानी एक बड़े स्पेल कराने वाले प्लेयर की हैसियत से खेल सकेंगे। इसके अलावा मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान की पेस बैटरी का हिस्सा होंगे। इसके अलावा ये भी ख्याल है कि मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद, जो कि सिंध की जानिब से कायदे आज़म ट्रॉफी में हिस्सा ले रहे हैं और बेहतरीन बॉलिंग करा रहे हैं, इस वक्त कायदे आज़म ट्रॉफी के लीडिंग विकेट टेकर हैं, उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। ओके जी, क्रिकेट वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ और अब एक और वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। अगले इतवार से यानी 20 तारीख से कतर में फीफा वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है। इस इवेंट में दुनिया की 32 बेहतरीन टीमें शिरकत करेंगी और इफ्तदाई मैच जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 9 बजे खेला जाएगा बिटवीन मेज़बान कतर और एक्वाडोर, एक दूसरे के आमने सामने होंगी। तो क्रिकेट का फ़िलहाल ज़रा थोड़ा सा बुखार कौम का उतरेगा और फुटबॉल का बुखार जो है वो चलने और चढ़ने वाला है। फीफा वर्ल्ड कप इज़ जस्ट 6 डेज अवे, सो दैट्स इट फॉर व्हाट्सएप स्पोर्ट्स। ऑलराइट, सो वापस आते हैं एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप में और कोशिश करेंगे कि हमें थोड़ी देर में जो है वो लाला ज्वाइन करें और हमारे साथ मौजूद हों और उनसे भी ज़रा हम बात करेंगे। इन हाइंडसाइट ज़ाहिर है उस वक्त मैच के बाद तो एक इंसान की अपनी एक अलग कैफियत होती है, लेकिन फिर रात गुजर जाती है और फिर उसके बाद अगला दिन आता है और फिर थोड़े से ज़रा इंसान का जो ज़रा थिंकिंग का तरीका भी हो जाता है वो मुख्तलिफ हो जाता है। लेकिन जो बहुत अच्छी बात और बड़ी खूबसूरत बात थी वो ये कि पाकिस्तानी आवाम ने, पाकिस्तानी क्रिकेट के शायकीन ने
पाकिस्तान की इस शिकस्त को जो है वो बहुत बड़े दिल के साथ कबूल किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, खास तौर से पाकिस्तान के बॉलर्स की जो एफर्ट है उसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है। एक बहुत ही मीडियोकर से टोटल को, एक बिलो पार टोटल को पाकिस्तान रियली मेड अ मैच आउट ऑफ इट। और बार बार जो एक व्हाट इफ जहन में आया जा रहा है कि शाहीन अगर अपनी वो 11 बॉलें भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, अपनी भरपूर ताकत के साथ करवाते तो क्या इस मैच का नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। लाला हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद खान आफरीदी। लाला को हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और लाला, किसी भी क्रिकेट फ़ैन के लिए, किसी भी क्रिकेटर के लिए जो अगला दिन होता है वो ज़रा एक भारी दिन होता है। जब आप नेक्स्ट डे उठते हैं और आप समझते हैं बड़ा मैच आपकी टीम हार गई और वर्ल्ड कप का फाइनल हो, तो उसका अफसोस होता है। तो लाला, क्या जज्बात हैं आपके भी? वही जज्बात हैं कि ज़ाहिर है एक तशनगी रह गई, एक अफसोस का तो आलम है, और दिल में ये भी आ रहा है कि नहीं चलो यहाँ तक भी पहुँच गए तो खैर है। तो आपके क्या इस वक्त एहसास हैं? अस्सलाम वालेकुम अदील, मेरे लिए शुरू में हमारी बातें होती रही, वर्ल्ड कप से पहले मेरे लिए काफ़ी था कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई थी और जहां मैं देखना चाह रहा था अपनी टीम को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और सेमीफाइनल भी अच्छा खेला उन्होंने, फाइनल में पहुंचे। मुश्किल होता है टाइम, लेकिन मैच वाली रात बहुत मुश्किल होती है, वो टाइम नहीं गुजर रहा होता, नींद नहीं आ रही होती, जब आप सोने के लिए मतलब आंखें बंद करते हैं, देन फिर वो ही पूरा मैच आपके दिमाग में घूम रहा होता है, तो वो चीज़ आपको सोने नहीं देती। जब आप सो जाते हैं फिर नया दिन आता है, आप एक नया दिन होता है, नया खूबसूरत दिन होता है। चीज़ों के पास्ट में मेरी आदत है, पास्ट में मैं रहता नहीं हूँ, पास्ट से सीखता हूँ, प्रेजेंट को एंजॉय करता हूँ, फ्यूचर की ज़्यादा फिक्र नहीं करता। तो लाला, क्या 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 सीखते हैं अब आप मुझे ये बताइए कि क्या क्या सीख, अगर आप इस वक्त ये वर्ल्ड कप देखते हैं तो हमने क्या सीखा, अगर आप बता सकें ये कि जी ये हमारी 3-4 बेहतरीन पॉजिटिव्स हमें नजर आ गए इस वर्ल्ड कप में। देखिए, पॉजिटिव अगर देखा जाए तो जितना भी बॉलर्स को क्रेडिट दिया जाए इस पूरे वर्ल्ड कप में वो कम है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस रही है बॉलर्स की, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर्स हो, बैटिंग में भी कुछ नजर आई, लेकिन हमें बैटिंग में बहुत ज्यादा T20 के फॉर्मेट में अगर हमने वर्ल्ड चैंपियन बनना है, बड़ी बड़ी टीमों को हराना है, तो जो जहां जहां इवन के मैं स्टार्ट की भी बात करूंगा, मैं ओपनर की भी बात करूंगा, 6 ओवर की डिमांड टोटली डिफरेंट है, उसका स्टाइल डिफरेंट है खेलने का, इसलिए कि सब कॉन्टिनेंट वगैरह में तो ठीक है आप खेल जाएंगे, लेकिन जहां थोड़ा स्विमिंग ट्रैक या बाउंसी ट्रैक होगा वहां एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे हम, तो उस पर हम जब भी किसी वर्ल्ड कप किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हो तो हमें उस वर्ल्ड कप के उस पिचेस के हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से तैयारी करके जानी चाहिए। हमें 5वें 6ठे नंबर पे तगड़े बच्चे चाहिए जो अच्छी तगड़ी हिटे मारते हो, जो गेम चेंज करते हो, तो इस तरह की चीजें हैं, सामने आएंगी इंशाल्लाह, बात होती रहेगी। हाँ बिल्कुल लाला, ज़ाहिर है आपसे बातचीत हो और ज़ाहिर है शाहीन का जिक्र ना हो ये एक ज़ाहिर है ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। ज़ाहिर है शाहीन के हवाले से जो अपडेट हमारे पास अभी पहली अपडेट जो आई है, ज़ाहिर है पाकिस्तान आके असल स्कैन होगा, लेकिन लग यही रहा है कि अगले कुछ महीने के लिए शाहीन टीम से बाहर हो गए हैं। एटलीस्ट जो टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान की होने वाली है उसमें जो 2 टेस्ट सीरीज़ होने वाली हैं अगेंस्ट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, उसका तो हिस्सा वो नहीं होंगे। लाला, आपके पास क्या अपडेट है, शाहीन साहब की बात हुई कोई? मेरे ख्याल में रेस्ट भी है वो, इसलिए कि वो सेम नी को दोबारा आपने रीअप किया, रीअप करने के बाद दोबारा उस जगह पे जोर आया और टाइम लगेगा इसको। मेरे ख्याल में शाहीन को पूरे 2-2.5-3 महीने लेने चाहिए, टाइम लेना चाहिए, अपने फील्डिंग में ख्याल रखना चाहिए, कोई ऐसी पोजीशन में ना डाइव मारे जिससे वो दोबारा उसको आप रीअप करने के लिए 3-4 महीने लगाए, तो बहुत एहतियात से चलना पड़ेगा, पीसीबी को बहुत एहतियात से चलाना पड़ेगा उस लड़के को। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और तो लाला, आपकी मेरे ख्याल से अभी बात नहीं हुई है शाहीन के साथ तफसीली इस मौजू के ऊपर? नहीं, मेरी कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि ये अक्सर लोगों के यही जहन में आ रहा है कि क्या ये कैच लेने से पहले भी शाहीन कुछ तकलीफ फील कर रहे थे या वो कैच के दौरान ही जो है मेरे ख्याल से बेहतरीन बॉलिंग की शाहीन ने, जैसी वो रिदम पकड़ा है टीम ऑफ द जो टीम अनाउंस की है ऑफ द वर्ल्ड कप की टीम, उसमें शाहीन को शामिल किया गया है, सो मेरे ख्याल से ये तो एक फजूल की एक लाहासिल सी बहस चल रही है कि जी वो हाफ फिट था या मैच फिटनेस नहीं थी एंड ऑल। अगर वो हाफ फिट होता तो मेरे ख्याल में शुरू के जो 2 ओवर किए वो भी नहीं कर पाता।
बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल, और बहुत ज़बरदस्त जा रहे इसमें खैर कोई शक नहीं है। शाहीन ने लाला क्या ज़बरदस्त बोल्ड किया वैसे, वो एलेक्स हेल्स वाला मज़ा आ गया। वो बस वो बॉल मैं ज्यादा देखना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा वे हो बॉल, जिस तरह इसने स्टार्ट किया पहले बॉल थोड़ा मुंह में चला गया, इस पे मेरे ख्याल में 3 रन बने थे, तो थोड़ा सा जितना अवे खिलाना था। ये पिचेस बड़ी आइडियल पिचेस थी, बिल्कुल टेस्ट मैचेस वाली जो लाइन और लेंथ चाहिए होती है बॉलर्स को, वो वाली लाइन एंड लेंथ थी। अगर उसमें ज्यादा बॉलें करता तो 2 ओवर के अंदर 2 आउट कर सकता था, 3 आउट कर सकता था अगर उसी लेंथ पे होती बॉलें। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ने लाला बहुत, जैसे कहना चाहिए कि जो मैं थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था, बहुत बड़े दिल के साथ और बहुत ही मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं अपनी क्रिकेट टीम के साथ। और हम अक्सर यही है कि टीमें अक्सर हार जाती हैं तो फिर काफ़ी गुस्सा वगैरह निकाला जाता है उनमें, लेकिन पिछले फाइनल्स के मुकाबले में जाहिर है आई थिंक टीम एफर्ट करती हुई नज़र आई लाला, इस वजह से आई थिंक हमारे फैंस भी बड़े खुश थे। मुझे नहीं पता आपने वो क्लिप देखा हो या नहीं देखा, लेकिन जब हमारी टीम फाइनल खेलने के बाद होटल वापस पहुंची थी तो पाकिस्तानी शायकीन होटल के बाहर भी लाइन लगा के खड़े हुए थे और जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार गा रहे थे। तो लोगों ने भी बड़ा, लोगों की बड़ी मोहब्बत इस वक्त जो है वो निछावर कर रहे हैं क्रिकेट टीम के ऊपर। अदील हम लोग, हम जब 2011 का वर्ल्ड कप खेलने गए हुए थे और क्योंकि हमारे टीम पूरी नहीं थी, वो स्पॉट फिक्सिंग का वो भी चल रहा था सारा, तो 3 मेरे मेन प्लेयर नहीं थे, कप्तान में लीड कर रहा था टीम को 2011 में, जब हम इंडिया से सेमीफाइनल हारे, एक तो इंडिया से हारे, इंडिया में हारे, फिर जो पाकिस्तान आए, लेकिन वो लोगों का जो प्यार जो सपोर्ट हम सबको मिली, तो ये वो चीजें होती हैं कि आप बड़े मोटिवेट होते हो आपकी आवाम, क्योंकि ये सिर्फ 11-16 लड़कों की टीम नहीं होती, पूरी आवाम की टीम होती है, क्राउड की होती है, क्राउड एंजॉय करते हैं उनकी खुशी, मतलब उनको एंटरटेन करने में जितना क्रिकेटर्स का रोल होता है वही ये स्पोर्ट्समैन ही जानता है। तो मेरे ख्याल में क्राउड का सपोर्ट जो है ना वो हमेशा प्लेयर्स के साथ होना चाहिए, उनकी अच्छी एफर्ट्स के साथ होना चाहिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए जी, नहीं क्रिटिसिज्म बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अगर वाकई टीम एफर्ट पुट करती हुई नजर आ रही है, और कल जिस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो है वो अपनी एफर्ट पुट किया है उस पर तो तारीफ बनती है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान क्रिकेट लेजेंड आसिफ इकबाल साहब इंग्लैंड से हमारे साथ मौजूद हैं। कल मैच के दौरान जो ब्रेक हुआ था उसमें भी हमने उनसे बात की थी, अनफॉर्चुनेटली उनको हम मैच के बाद बात नहीं कर पाए, तो हमने कहा कि जी आज जहाँ से वो डिस्कशन टूटा था वहाँ से एक बार फिर से जो होते हैं। आसिफ इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। जी अस्सलाम वालेकुम आपको भी और शाहिद को भी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम आसिफ भाई। तो आसिफ साहब आप कह रहे थे कि जी टोटल डिफेंड हो सकता है, पाकिस्तान की बॉलिंग में है, दमखम है और बचा सकती है, इस टोटल को प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन मुकाबला खूब किया इंग्लैंड की बहुत ही जबरदस्त बैटिंग लाइनअप के सामने भी, और अगर एक दो इफ्स एंड बट्स ना होते तो फिर तो मेरे ख्याल से दिस कुड हैव गॉन Even into the 20th over. So, क्या कहेंगे पाकिस्तान की ओवरऑल कारकर्दगी के हवाले से कल के मैच में? देखें दो चीजें जो मैं अभी शायद की सुना, let me say something about that. एक तो जो आफरीदी के बारे, शाहीन के बारे में जो बात कर रहे थे बॉलिंग के, बिल्कुल सही कह रहे थे कि वो इंजरी, जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था वो लग रहा था कि इंजरी फ्री है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैच, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, बैटिंग की, फील्डिंग की, वो टोटली इंजरी फ्री लग रहे थे। ये इंजरी का रिएक्शन जो कैच लिया उन्होंने जिस तरह से, वो ग्रे आई थिंक उसकी वजह से इसमें थोड़ी सी रिएक्शन हुआ उसका, एंड दैट्स व्हाट मेड द डिफरेंस आई थिंक। एंड यस आई टोटली एग्री कि हो सकता है इंग्लैंड फिर भी जीत जाती, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं जीतते जितना एंड में लगा के विद एन ओवर टू स्पेयर, और जो 5 गेंदे शाहीन के जो ऑफ स्पिनर से कराए गए, आई थिंक दैट टुक द गेम टोटली अवे फ्रॉम पाकिस्तान। अदरवाइज पाकिस्तान ने इतना कम स्कोर करने के बावजूद जिस तरह से फाइट किया, जिस तरह से पुट इंग्लैंड अंडर प्रेशर, पहले 6 ओवर में उनके टॉप 3 बैट्समैन आउट भी कर लिए थे, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और जो दूसरी बात, जिस मैच्योरिटी से शाहिद ने जवाब दिए आपके अबाउट द सपोर्ट ऑफ द क्राउड का एंड फैंस का, लेकिन दैट इज द मैच्योरिटी वी ऑलवेज वॉन्टेड एंड एक्सपेक्टेड फ्रॉम द क्राउड, बिकॉज हार जीत जब दो टीमें खेलती है तो एक टीम को तो हारना ही है, और जो टीम ऑन द डे अच्छा खेलती है वो जीतती है, लेकिन अगर कुछ ऐसे गलतियां हैं जिसकी वजह से अगर यू नो टीम हार जाती है जो बड़ा ब्लेटेंट लगता है, फिर यकीनी तौर पर क्राउड को भी अच्छा नहीं लगता, सपोर्टर्स को अच्छा नहीं लगता और वो नाराज होते हैं। लेकिन यहाँ तो जब टीम इतनी मेहनत करके, जान मार कर एक छोटे स्कोर को डिफेंड कर रही थी, तो दे डिजर्व ईच एंड एवरी वर्ड जो शाहिद ने भी कहा और आज सारे पाकिस्तानी जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी कहा। अब जहाँ तक बात रही है, अब ये नो
ये करते तो जीत जाते, वो करते तो जीत जाते। आई थिंक वो बहुत आसान होता है मैच के बाद तबसरा करना, खासतौर पर हम लोग जो यू नो टेलीविजन पर बैठे रहते हैं और उसके ऊपर अपने तबसरे देते हैं। ये मोस्टली हमें तो सबसे पहले तो सेलिब्रेट इस बात को करना चाहिए कि पाकिस्तान टीम जिस तरह की शुरुआत की थी इस टी ट्वेंटी में, वो वहाँ से फाइनल में पहुँचे। इट वॉज नॉट एन ईजी जर्नी, बहुत मतलब मुश्किल जर्नी थी, बट दे अर्न दैट प्लेस। आई मीन दे वर रिप्रेजेंटिंग द एशियन सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड कप। आपके चार टीमें थीं उस टूर्नामेंट में और तीन बाहर हो गई थी और पाकिस्तान वॉज रिप्रेजेंटिंग दैट, दैट इटसेल्फ इज एन ऑनर। And I think our players have done an excellent job. And उनको यकीनी तौर पर मैं कहना चाहिए well done Pakistan. Right, लाला शाहीन की ज़ाहिर इंजरी के हवाले से बातचीत इस पे, देखिए शाहीन इज वंस इन अ जनरेशन एक हमारा बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है। जितनी तेज़ी से वो ऊपर आया है और इतनी छोटी उम्र से ही पाकिस्तान को कितनी कामयाबियाँ इसने दिलवाई हैं, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे भी कुछ नुक्ताचीनी हो सकती है। शाहीन की इंजरी किस तरह हैंडल की गई, किस तरह इस पूरी चीज़ को मैनेज किया गया, आपको लगता है कि कहीं क्या इस पूरे मामले में कहीं चूक हो गई थी और आगे लाहे अमल क्या इख्तियार करना चाहिए पीसीबी को? देखिए नो डाउट हमारा सिर्फ शाहीन नहीं, हमारी जितने भी बॉलर्स हैं, इवन के जो अच्छे टॉप बैट्समैन है जो काफी अरसे से पाकिस्तान के लिए काफी कंसिस्टेंट है, मेरे ख्याल में मैंने हमेशा कहा है कि क्रिकेट बोर्ड का रोल एक बाप की तरह होना चाहिए और ये वो बच्चे हैं, ये वो लड़के हैं, ये वो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, दुनिया में जाके अच्छा खेल के पाकिस्तान के नाम को दुनिया में ऊंचा रखते हैं। हर एक प्लेयर का उसी हिसाब से ख्याल रखना चाहिए, शाहीन का था लेकिन डॉक्टर ज़ैफ की बड़ी ज़बरदस्त ट्रीटमेंट रही है, बड़ा लुक आफ्टर किया है वहाँ पर इंग्लैंड में उसने। अब और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शाहीन के अपने ऊपर भी होती है, क्रिकेट बोर्ड पे तो होती ही होती है, शाहीन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि दोबारा अपने आप को स्ट्रॉन्ग तरीके से कम बैक करे, अपनी इंजरी को रीएप करे, स्ट्रॉन्ग रीएप करे, टाइम ले, अपना पूरा टाइम ले और इंशाल्लाह टाइम काफी है, अभी यंग है, काफी क्रिकेट उसकी बाकी है, तो अपने आप को खुद मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा उसको कम बैक करने के लिए दोबारा। डॉक्टर ज़ैफ के पास ही आप समझते हैं दोबारा वहीं जाना चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम तो वो भी बड़े एक्साइटेड थे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को होस्ट करने में और शाहीन भी बहुत मुतमईन, शाहीन और फखर दोनों बड़े मुतमईन नजर आते थे। डॉक्टर ज़ैफ क्रिस्टल पैलेस फुटबॉल टीम के साथ काफी अरसे से, मैं बहुत अरसे से जानता हूँ इसको और बड़ा जबरदस्त, बड़ा सिंसियर, बड़ा मेहनती किस्म का आदमी है और मैंने जब उससे कॉन्टेक्ट किया था शाहीन के लिए, फिर वहां पे पूरी ट्रीटमेंट हुई माशाल्लाह, बड़ा मुश्किल रिहैब था, नी लोअर बैक, ये इंजरीज बड़ी मुश्किल होती है, बड़ा टाइम लेती है, लेकिन डॉक्टर साहब और साथ में उनके जो ट्रेनर्स थे इंग्लैंड के गोरे, उन्होंने बड़ी जबरदस्त ट्रीटमेंट करके उसको एटलीस्ट उस काबिल बनाया कि वर्ल्ड कप खेल सके। जी बिल्कुल आसिफ साहब, इंजरी की एक जाहिर है एक जो फिजिकल कॉस्ट होती है उसकी एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है, जाहिर है एक खिलाड़ी और इंजरी चोली दामन का साथ होता है उसका, कितना आसान कितना मुश्किल होता है इनफैक्ट एक खिलाड़ी के लिए मेंटली तौर से एक बार फिर से उस फॉर्म में आना, बिकॉज शाहीन की जो बात की जा रही है पीपल आर इवन टॉकिंग अबाउट दैट ही मे बी आउट फॉर फ्यू मंथ्स नाउ, यानी हो सकता है कि ही मे बी इवन मिसिंग द PSL, सो अपने आप को दोबारा उस ग्रूव में लाना कितना कितना मुश्किल काम होता है? देखें इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्लेयर हिमसेल्फ, जो डॉक्टर्स हैं जो फिजियोज हैं ये सब खाली आपको ट्रीटमेंट करते हैं और दिखाते हैं किस तरह से आप अपने आप को मैनेज करना है, तो एक खिलाड़ी पे डिपेंड करना है। लेकिन एक बात मैं ये साथ कहना चाहता हूँ कि देखें शाहीन यकीनी तौर पर हमारे एक बहुत ही क्या कहना चाहिए फ्यूचर स्टार है, नहीं वो स्टार तो खैर अभी बन गए हैं लेकिन बहुत अहम क्रिकेटर हैं, बट विदाउट हिम हमने न्यूजीलैंड में सीरीज जीती है, डोंट फॉरगेट दैट, बिकॉज कोई एक प्लेयर के होने या ना होने से इन अ टीम गेम वो फर्क नहीं पड़ता उतना, वो अहम जरूर हैं लेकिन उनके बगैर भी हमने मैचेस खेले और जीते भी हैं, बट इट इज इम्पोर्टेंट। अब देखें जो इंग्लैंड के मार्क वुड हैं वो भी तो इंजर्ड हो गए वर्ल्ड कप के दौरान ही मिस्ड आउट, हो सकता है अगर इंग्लैंड हार जाती है मैच तो फिर लोग यही कहते कि मार्क वुड की कमी थी, ऐसे नहीं होता है, किसी एक खिलाड़ी की कमी इस तरह से नहीं महसूस होती है इन अ टीम गेम। शाहीन जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने 3.1 ओवर किया और जो फोर्थ ओवर कंप्लीट नहीं हुआ उसकी वजह से यकीनी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन साथ ही साथ ये भी बहुत जरूरी है कि फॉर एन इंजर्ड प्लेयर टू लुक आफ्टर हिमसेल्फ, वो बड़ा जरूरी है इस उम्र में, वो चाहते हैं कि जितना हो सके अपीयरेंस करें मुल्क के लिए, जितना हो सके खेलें, बिकॉज वो अपने क्या करना चाहिए आउट ऑफ एक्शन नहीं रहना चाहते ज्यादा अरसे के लिए, और खासतौर पर आजकल जिस अमाउंट की क्रिकेट खेली जा रही है उसमें आई थिंक बहुत जरूरी है खासतौर पर फास्ट बॉलर्स को,
और जो T20 फॉर्मेट रहता है, लेकिन उसमें आप सिर्फ चार ओवर करते हैं, चार से ज्यादा नहीं करते, लेकिन आप साल भर जब क्रिकेट खेल रहे हैं आप उसमें T20 भी खेलते हैं, फिर आप ODIs भी खेलते हैं, 50 ओवर के फिर टेस्ट भी खेलते हैं, दैट्स अ लॉट. तो दैट्स वेयर द रोल ऑफ द क्रिकेट बोर्ड कम्स इन टू सी हाउ दे कैन मैनेज. सो ट्रू, वेरी वेरी वैलिड पॉइंट आसिफ साहब का कि somebody will have to. जी जी लाला, हमें ब्रेक की जाने पड़ना है. जी Okay. हम ब्रेक के बाद लाला यहीं से ही मैं आपसे कंटिन्यू करूंगा. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर था क्रिकेट बोर्ड के रोल के हवाले से, और समबडी विल हैव टू, मीन अब शाहीन इज नॉट देयर बट स्टिल वी हैव गॉट अ सीरीज टू प्ले एंड अ सीरीज टू विन. ये हमारी होम सीरीज है जो कि हमें जीतनी चाहिए. इस पर हम बात करेंगे आगे चल के. कीप वॉचिंग गेम सेट मैच, विल कैच यू एट द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक. यस, वेलकम बैक टू Game set match. I was about to say T20 का बादशाह, लेकिन चलें, I think it will take a couple of more days कि जब हमारी ज़बान में एक बार फिर से game set match वापस आ जाएगा. Because T20 World Cup of course is behind us, लेकिन discussion, बातचीत, गुफ्तगू इस हवाले से चल रही है. और जाहिर है वो इंसान ही गया जो अपनी गलतियों से ना सीखे. T20 World Cup में भी हमसे गलतियाँ हुई और उनसे सीखना भी हमको चाहिए. लाला भी थोड़ी देर में हमें ला रहा है, मैं ज्वाइन कर लिया है, मैं भी यही बोलने वाला था लाला, मैं थोड़ी देर में अभी ज्वाइन करेंगे. आसिफ इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट लेजेंड. तो दो क्रिकेट लेजेंड इस वक्त जो है वो मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. व्हाट एन ऑनर दिस इज फॉर मी. लाला, आपसे जो है ना वो हम बात कर रहे थे, बल्कि आप कुछ बात शुरू करने वाले थे, मैं उस वक्त ब्रेक पे चला गया था. आसिफ साहब ने बात की थी कि जी शाहीन नहीं है तो समबडी एल्स विल हैव टू कम एंड टेक. कलबन आप वहीं से कुछ और इंजरी के हवाले से भी बात कर रहे थे, तो प्लीज़ लाला यू कैन कंटिन्यू. नहीं आदिल, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आसिफ भाई जो बात कर रहे हैं ना वो बिल्कुल स्पॉट ऑन कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं. ये नहीं देखना चाहिए कि एक प्लेयर है या दो प्लेयर है, अब हम कैसे जीतेंगे उनके बगैर, फिक्र नहीं करनी चाहिए. आई मीन के आपके पास जो हमेशा से मैं कहते हुए हूँ, जिस पर मेरा बिलीव है कि आपकी बेंच बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. आपके पास 20-25-30 लड़के ऐसे होने चाहिए कि किसी के जाने से फर्क ना पड़े, और जो प्लेयर खेल रहा हो अंदर उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे पीछे एक लड़का बैठा है, अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा तो वो मेरी जगह पकड़ लेगा. तो मेरे ख्याल में मैं इकबाल भाई की बात से, आसिफ भाई की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ. हमारा कॉम्बिनेशन, हमारी बेंच इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि किसी के जाने से फर्क ना पड़े. राइट. एक और जो डिस्कशन शुरू हो गया, आसिफ साहब मैं आपकी तरफ ये रखता हूँ सवाल, बिकॉज ज़ाहिर है आप पाकिस्तान क्रिकेट को अभी भी बहुत कीनली और बहुत ही बगौर फॉलो करते हैं. वो एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है ना कि यार अब कुछ तो चेंज होना चाहिए यार, सम चेंज हैज़ टू हैपन. आई मीन बिकॉज ज़ाहिर है हम देखो, हम उसमें भी फाइनल में हार गए, सेमीफाइनल में हार गए, एशिया कप में भी फाइनल में हारे एंड ऑल, कहीं ना कहीं गलती हो रही है. और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो जैसे कहना चाहिए कि टारगेट किया जा रहा है वो बाबर आजम की कप्तानी को किया जा रहा है. ज़ाहिर आप भी कप्तान रहे, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि काउंटी में आपने बहुत बड़े अरसे कप्तानी की है. बाबर की कप्तानी को आप कहाँ रेट करते हैं? इज ही स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, या आपको लगता है कि नहीं, आई थिंक ही इज ऑलरेडी कैप्टनिंग फॉर ऑलमोस्ट 3 years नाउ एंड प्लीज लीव हिम अलोन, लेट हिम कैप्टन. क्या कहेंगे आसिफ साहब? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जो क्रिटिसिज्म की बात हो रही है बाबर के बारे में, हमारी टीम के बारे में, वर्ल्ड कप में जितनी भी टीमें थी और सारे दे वर रिप्रेजेंटिंग दैट, इनफैक्ट क्रिकेट टीम क्रिकेटिंग वर्ल्ड की क्रीम टीम्स थी जो वर्ल्ड कप में पहुंची थी. बाबर आजम, मैं ये टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग है, लेकिन बिफोर वी कम टू बाबर आजम एंड बिफोर वी डिस्कस नॉट ओनली हिम और पाकिस्तान टीम, एक बात मैं ये कहना चाहूँगा. देखें, जो टाइटल सुपरस्टार का होता है ना, ये आजकल बहुत फराग दिली से दिया जाता है, बिकॉज इतनी ज़्यादा क्रिकेट होती है कि एक आध परफॉर्मेंस पे दे दिया जाता है. लेकिन सुपरस्टार बनता है बंदा काफ़ी अरसे की परफॉर्मेंसेस के बाद. आई थिंक इट्स नॉट दैट के शाहिद, चूँकि इस वक्त स्क्रीन पर साथ है मेरे, इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन शाहिद ने जो स्टार्ट की थी अपने करियर की, आई थिंक ही स्टार्टेड विद अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बीटिंग 100 जो उन्होंने किया था लिमिटेड ओवर क्रिकेट में. उस दिन वो स्टार नहीं बने थे, सुपरस्टार नहीं बने थे, उस दिन स्टार बॉर्न हुआ था. वन कैन से स्टार इज बॉर्न, राइट. लेकिन स्टार जो है जिस तरह से शाहिद ने फिर कंटिन्यू किया इन द एंड रिटायर्ड एवरीबॉडी, ना सिर्फ उनकी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग बल्कि उनका करिश्मा भी एक था. दोज आर द कैरेक्टर जो है सुपर स्टार, तो वो जो है शाहिन में यकीनन नजर आ रहे हैं, इंशाल्लाह वो बनेगा जरूर बड़ा सुपरस्टार पाकिस्तान के लिए. लेकिन इस तरह से और भी खिलाड़ी हैं, कोई एक पर अगर हम फोकस करते हैं ना तो फिर दूसरे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस जो है जो बहुत ही वाइटल होती हैं इन टीम स्पोर्ट में, उसको उतना आप इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं.
और जो वर्ल्ड कप में कमिंग बैक टू बाबर, देखें बाबर जब से कप्तानी किए हैं और जो ओपनिंग पार्टनरशिप के बारे में काफी तनकीद होती है इन लोग पर, बट यही ओपनर्स हैं जो आई थिंक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया हुआ है द अमाउंट ऑफ रन्स दे हैव स्कोर्ड एज ओपनर्स, और यही पार्टनरशिप है जो डबल सेंचुरी के स्कोर को चेंज करके चार्ज करके चेज करके जीता है, तो किस तरह से आप इन पर उंगलियां उठा सकते हैं। यस, तनकीद जरूर होनी चाहिए लेकिन एज लॉन्ग एज इट्स कंस्ट्रक्टिव, और इसमें मैं इन माय ओपिनियन एटलीस्ट आई डोंट नो शायद एग्री करते हैं या नहीं, लेकिन हम कहते हैं काफी रोना रोते हैं कि जी मिडिल ऑर्डर नहीं है हमारा। आप मुझे ये बताएं कि आप कौन से मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को आप मिडिल ऑर्डर पे खिला रहे हैं? शान मसूद आपके ओपनर हैं, उसके साथ जो आते हैं वो भी ओपनर हैं, उनको आपने नीचे करके तीन और चार पे उनको मिडिल ऑर्डर बना दिया है। इंस्टेड ऑफ दैट आई थिंक आपका जो मिडिल ऑर्डर डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्म कर रहा है उनको आप एज ए मिडिल ऑर्डर खिलाए। अगर आप ओपनर को सिलेक्ट करें इन प्लेइंग 11, ही हैज टू गो एज एन ओपनर, राइट? इसलिए कि जो रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं पहले 6 ओवर में वो उनको बेटर यूटिलाइज कर सकता है। बट चूंकि बाबर और रिजवान की इतनी कामयाब जोड़ी बनी हुई है तो इस वजह से चेंजेस नहीं आए हैं। लेकिन वहाँ एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है T20 क्रिकेट में, दूसरे क्रिकेट फॉर्मेट पे शायद इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती, डॉट बॉल्स जो होते हैं, हमने 8 ओवर्स मेडन खेले यस्टरडे, बिल्कुल। तो यू कांट एक्सपेक्ट इन 20 ओवर गेम में कि आप मेडन ओवर्स, द नंबर ऑफ बॉल्स दैट यू हैव प्लेड डॉट बॉल्स, आई थिंक इट वाज समथिंग लाइक 48 42 डॉट बॉल्स कल हमने खेली हैं, 42 ओवरऑल, ओके चलिए 42 थे, दैट्स अ लॉट, या दैट्स अ लॉट, बिल्कुल। सो दैट आई थिंक अगर कोई क्रिटिसिज्म अगर कोई कर सकता है फाइनल के उसमें, दिस इज द ओनली थिंग वन कैन मेंशन, वी वेस्टेड लाला। कल प्री मैच में भी हम जब बात कर रहे थे आपसे तो आपने ज़ाहिर है यही बात बोली थी कि स्ट्रैटेजी यही होनी है कि इतना बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे डबल और ट्रिपल, और मैं यही सोच रहा हूँ इफ्तिखार की 6 डॉट बॉलें, बाबर ने कल काफ़ी डॉट बॉलें खेली और आखिर में वसीम जूनियर ने भी जो है वो आई थिंक 4 डॉट बॉलें खेल ली। अभी अगर इनको आप कलेक्ट करें इतनी सारी, इसमें सिंगल और डबल भी अगर हम ले लेते तो फिर मैच का नक्शा जो है वो तब्दील हो चुका होता है। ये डॉट बॉलें लाला एक बड़ी बीमारी बन गई है हमारी टीम की, वैसे जो स्ट्राइक रोटेट ना करना। अच्छा अदील, जरा मेरे ख्याल में आप बॉल चेक करवा लें प्रोड्यूसर किसी से, कहे कि मेरे ख्याल में हमने ज्यादा खेली 48 है, 48 का नंबर है, मुझे कंफर्म किया आसिफ साहब, वाज राइट, आई वाज रॉन्ग, 48 है मेरे ख्याल में, 48 बॉल है। देखिए नो डाउट अदील, इंग्लैंड की जो बॉलिंग थी वो बहुत जबरदस्त बॉलिंग की उन्होंने, बड़ी कैलकुलेटेड, उनकी स्लो वंस देखें, बाउंसर्स चेक करें, उन्होंने पिच को सही तरीके से इस्तेमाल किया है। लेकिन बात वही है कि डॉट बॉल्स हम खेलेंगे तो इसका मतलब हम प्रेशर अपने ऊपर, डॉट बॉल्स खेलनी कम है, डॉट बॉल्स करनी ज्यादा है, ये आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। और डॉट बॉल जो होती है उसको एटलीस्ट सिंगल्स में या डबल्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जितना स्ट्राइक रोटेट करेंगे आपको एक बाउंड्री चाहिए होती है बीच में 6 बॉलों में से, बाकी आप स्ट्राइक रोटेट करते तो आप 8-9 रन आराम से, 10 रन के 10 रन आप ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप डॉट बॉल्स खेल, चलो आपने खेल ली, आप खेल लेते हो तो आखिरी के 4-5 ओवर जो रहते हैं उसके अंदर आप बाउंड्रीज से फिर उन डॉट बॉल्स को कवर कर जाते हैं। हमने आखिरी 5-4-5 ओवर में हमने 31 रन किए, 4-5 खिलाड़ी हमने आउट, हमारे आउट हुए 4 खिलाड़ी आउट हुए हमारे, तो हमने यूटिलाइज नहीं किया। बिल्कुल लाला, वैसे कल के मैच में आपको ये भी पता होगा कि शादाब खान ने जो है वो आपको पीछे छोड़ दिया है T20 विकेट्स के हवाले से, 84 विकेट जो हैं, 84 मैचेस खेले हैं शादाब ने और आपको जो है वो उन्होंने पीछे छोड़ के आप सबसे नंबर 1 विकेट टेकर पाकिस्तान के बन गए, 98 विकेट शादाब के लिए। लाला अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें। थोड़ा फ्रीज हो गई है स्क्रीन, बिल्कुल चाहूँगा बिकॉज ज़ाहिर है लाला की बड़ी कंट्रीब्यूशन T20 क्रिकेट में, पाकिस्तान के सही मानों में पहले सुपरस्टार जो थे वो लाला थे और पाकिस्तान के 2009 की जो विनिंग टीम थी उसमें आपको पता है कि ही वाज द मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल एज वेल, और कमाल इन्होंने जो है वो खेला था। शादाब हैज प्लेड लेसर मैचेस, फ्यूअर मैचेस देन शाहिद आफरीदी। अब आसिफ साहब से बात करते हैं और अगर लाला हमारे साथ, जी लाला भी हमारे साथ नहीं, जैसे ही आएंगे तो हम ये मैसेज लेंगे, बट आसिफ साहब शादाब की कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस पाकिस्तान टीम, मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि शादाब को शायद उनकी बैटिंग स्किल्स पे अभी भी थोड़ा सा पता नहीं कम एतबार है या क्या है, लेकिन हम कभी इफ्तिखार को प्रमोट कर देते हैं या देते हैं। लाला आ गए हमारे साथ, तो लाला को एक बार फिर से मैं ये सवाल, आसिफ साहब मैं आप पे आता हूँ, लेकिन लाला
शादाब हैज बिकम द नंबर वन T20 बॉलर इन पाकिस्तान, 98 विकेट उनकी हो गई हैं 84 मैचेस में, आपको पीछे छोड़ दिया है। शादाब के बारे में लाला कोई मैसेज? शादाब हमेशा से बैकबोन रहा जी, मेरे जितने भी उसके हवाले से बातें सुनेंगे मुझसे, हमेशा मैंने उसको बड़ा हाई रेट किया है, बेस्ट फील्डर है, वो टीम मैन है, मुझे उसकी आप पता है उसके कि वो टीम के अंदर सबको जेल करके चलता है, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करता है, पैट्रियोटिक है, करना चाहता है कुछ क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए, तो ये वो खूबियां है उसके अंदर। बॉलिंग वो करता है, बैटिंग कर सकता है, किसी भी नंबर पे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, जबरदस्त फील्डर है। तो अल्लाह करे कि मुझे क्या बहुत सारों को आगे पीछे छोड़ के वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें दुनिया में। जी बिल्कुल, वैसे लाला आपकी तरह का बड़ा प्लेयर है, बिकॉज देखें बैटिंग बॉलिंग तो अपनी जगह, लेकिन फील्डर भी आपकी तरह बड़ा फुर्तीला है। नहीं तगड़ा है, बहुत एनर्जेटिक है माशाल्लाह, बहुत एनर्जेटिक है और टीम का मोराल हाई कर देता है हमें जिस तरह के, इसलिए कि आप अच्छी फील्डिंग करते हो तो दूसरा आपको देख के मोटिवेट होता है, दूसरे का भी दिल चाह रहा होता है कि अच्छा रन आउट कैच करे या डाइव मारे। या एब्सोल्युटली, और ये भी आसिफ साहब इज जस्ट 24, जो सबसे मुझे मजेदार बात यहाँ पे लगती है कि अभी तो 24, आपके जमाने में तो ये वो टाइम था जब करियर शायद स्टार्ट होते होंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं था कि क्रिकेट खेलने का सोचता होगा कोई नौजवान कि अब चलें क्रिकेट खेली जाए जिंदगी में, ग्रेजुएट कर लिया जी आसिफ साहब? देखिए जो रिकॉर्ड होते हैं ना, दे आर मेंट टू बी ब्रोकन, राइट? बिकॉज अगर रिकॉर्ड एक आदमी बना दे और वो ब्रेक ना हो तो फिर प्रोग्रेस नहीं हो रही है किसी चीज में भी, whether it's sports, whether it's anything else in life में। तो रिकॉर्ड तो ब्रेक होते रहेंगे, लेकिन जो एनर्जी जो शाहिद अपने जमाने में जो एक एनर्जी लाते थे फील्ड पर, जो टीम को लिफ्ट करती है एनर्जी, वैसी एनर्जी शादाब में है। ही वॉन्ट्स टू बी ऑलवेज इन्वॉल्व इन द गेम, चाहे वो बेशक ना बैटिंग कर रहे हो ना बॉलिंग कर रहे हो, इवन इन फील्डिंग वो लगता है को सबको एनकरेज करते थे, करना चाहते हैं, right? और कैप्टन से भी इन्वॉल्व रहते हैं, बात करते रहते हैं आपस में, सो वो क्वालिटी है उनकी। लेकिन आई डोंट थिंक दैट रिकॉर्ड्स अगर ब्रेक होने से किसी को ये होना चाहिए कि दैट ये किसी और खिलाड़ी से बेहतर है। रिकॉर्ड्स एज आई सेड मेंट टू बी ब्रोकन। आजकल क्रिकेट इतनी ज्यादा खेली जाती है और उस जितनी ज्यादा क्रिकेट खेली जाएगी उतनी ज्यादा रिकॉर्ड भी ब्रेक होंगे। Although I'm not, you know, I'm being very honest, I'm not qualified to talk about T20 cricket, isliye ke na main khela hu aur na hi mere team involvement rahi hai. Lekin T20 cricket jo hai, it has taken the sabse zyada jo improvement aayi hai T20 cricket ki wajah se, wo hai fielding, right? In test cricket, even in ODIs, fielding ka level itna high ho gaya hai ki that you can't imagine jo aajkal ke cricketers unke jo fitness hai, look at their fitness. हमारे जमाने में ग्राउंड पे पहुंचते थे एक घंटा पहले, एक चक्कर काट लेते थे ग्राउंड पे, मुझे हमारी फिटनेस की, दैट वाज द ओनली एक्सरसाइज वी यूज्ड टू हैव। स्पोर्ट्स हैज चेंज, क्रिकेट, T20 क्रिकेट हैज चेंज टोटली। इससे पहले करी पैकर, व्हेन ही केम ऑन द सीन, इसमें मैं हिस्सा था उस वक्त, उसका तो लोग उसको कहते थे कि सर्कस है, और ये पजामा से नाइट क्रिकेट, ये कोई क्रिकेट थोड़ी खेली जाती, व्हाइट बॉल से, कलर्ड क्लोथिंग से, मजाक उड़ाया गया हमारा, right? लेकिन आज वही क्रिकेट है जो सरवाइव कर गई है, और जिसकी वजह से जो मुझे ज्यादा खुशी है वो ये है कि दैट खिलाड़ियां दे कैन मेक ए लाइवलीहुड आउट ऑफ इट। अब उनको ये नहीं है कि जी क्रिकेट खत्म करने के बाद क्या करेंगे, कि परेशानी नहीं है, इट इज ए लाइवलीहुड। और जिस तरह से वो लोग, ना सिर्फ खिलाड़ियों का फायदा है इसमें, जो खिलाड़ी रिटायर होते हैं आप देखें वो कितने इन्वॉल्व है, वो कोचेस बन जाते हैं, वो मुख्तलिफ प्राइवेट फ्रेंचाइजेस के जो वो हैं आजकल, जो मैनेजमेंट का जो लीग्स हो रहे हैं वो सब, ये तो ये सारी बातें काफी पॉजिटिव है। एंड आई थिंक शादाब हैज गॉट इंशाल्लाह लॉन्ग फ्यूचर टू कम, एंड पाकिस्तान का फ्यूचर इज क्वाइट सिक्योर। आई डोंट थिंक दैट वी शुड बी कंसर्न्ड और वरीड अबाउट कोई एक खिलाड़ी के इंजर्ड हो जाने से या कोई एक आदम। एब्सोल्युटली आसिफ साहब, आखिरी कमेंट आपसे, आखिरी कमेंट, बिकॉज हमारा वक्त खत्म होने को है। अब वी शेड द पाकिस्तान कलर्ड किट एंड इंग्लैंड ऑल्सो डज सो, और टेस्ट क्रिकेट की वाइट्स में होंगे 1st of December से सीरीज का आगाज हो रहा है। 2005 के बाद 17 साल से जायद अरसा गुजरा उसके बाद जो है ये सीरीज हो रही है। I'm sure you must be as excited as anyone else because that's of course the real cricket. Kaun jeetta hua nazar aa raha hai? I'm more excited waiting for the test cricket because right. I think lekin test cricket the difference hai na, test cricket mein ya aur ODI ya T20 mein, test cricket is what? It's a test of skills, test of technique, test of right. patience. Bahut cheeze hain. To agar aap test matches ko follow kare, और कितना फायदा T20 की वजह से या ODI की वजह से टेस्ट में भी हुआ है, रिजल्ट्स आते हैं,
और चार चार दिन में रिजल्ट हो जाते हैं जो पहले नहीं होते थे. पांच दिन खेलते थे ड्रॉ होते थे मैचेस, लेकिन अब रिजल्ट आते हैं. द बेस्ट टीम विल विन. आपसे भी जाते जाते ज़ाहिर है शाहीन तो अब इस सीरीज का हिस्सा नहीं है. हारिस रऊफ को आप समझते हैं कि वो टेस्ट के लिए तैयार हैं, उनकी जगह वो शाहीन के रोल को जो है फिल कर सकते हैं. इवन दो हमारे पास हसनैन भी मौजूद हैं डोमेस्टिक में, आसिफ बहुत अच्छा बॉलर है जो कि परफॉर्म कर रहा है, और भी काफ़ी लड़के हैं जिनको आपने अभी कायदे आज़म ट्रॉफी में ही परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हारिस रऊफ की बात की जा रही है दैट ही कुड बी इंक्लूडेड. अब्बास का भी नाम आ रहा है, कौन लगता है आपको कि शाहीन की जगह ले सकता हो? देखिए है हमारे पास इस तरह के डोमेस्टिक में भी सर्किट में डोमेस्टिक में कैसे प्लेयर्स हैं जो आ सकते हैं, जो खेल सकते हैं, जिन्हें मौका मिल सकता है और मौका देना भी चाहिए, जिन्होंने डोमेस्टिक में टॉप परफॉर्मेंसेस दी हैं. यही वो टाइम होता है कि आप अपने उन प्लेयर्स को अपने क्राउड के सामने अपने होम में आप उनको खिलाते हो, चांस देते हो. तो मेरे ख्याल में आप किसी को भी चांस दे सकते हो, खिला सकते हो, और खिलाना भी चाहिए नए लड़कों को, नए फास्ट बॉलर्स को, ताकि दूसरों को भी रेस्ट मिलता रहे साथ में. एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच लाला, थैंक यू सो मच आसिफ इकबाल साहब, बहुत मजा आया जी आप लोगों के साथ. हमने रीकैप भी किया T20 वर्ल्ड कप का, आगे के प्लान्स के हवाले से भी बात की. एज आई सेड पाकिस्तान क्रिकेट के दो लेजेंड्स हमारे साथ मौजूद थे. यस, पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल जो है वापस आ जाएगी. इट्स अ लॉन्ग फ्लाइट और ऑफकोर्स अब मुख्तलिफ जगहों से होते हुए, लेकिन फिलहाल एज आई सेड लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट को तकरीबन डेढ़ महीने के लिए हम साइड पे करेंगे और फिर द रियल क्रिकेट विल स्टार्ट. दैट इज द टेस्ट क्रिकेट. पांच टेस्ट पाकिस्तान को खेलने हैं, फर्स्ट अगेंस्ट इंग्लैंड, देन अगेंस्ट न्यूजीलैंड, मिला के पांच टेस्ट. सो इंशाल्लाह डिस्कशन जारी रहेगी. क्रिकेट के अलावा हम और भी स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे. अपने मेजबान आदिल अज़हर को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़.